नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाना वेफर्स बनाएंगे, यानी कि केले के क्रिस्पी चिप्स। तो आइए बनाना वेफर्स बनाना शुरू करते हैं। तो तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने 2 टेबलस्पून पानी लिया है और 1 छोटी चम्मच नमक, इसको हम पानी में डाल देते हैं और नमक के घुलने तक इसे हम पानी में मिलाते हैं। तो ये नमक का पानी हमने तैयार कर लिया है और अब हम एक केला उठाएंगे, इसे हम छीलेंगे। तो पूरा ग्रीन छिलका हम केले से छीलकर हटा देंगे इस तरीके से। ये केले हमने पहले से ही धोकर रख लिए थे, दोनों तरफ से हमने थोड़ा थोड़ा काट दिया है। और अब हमने ये तेल गरम करने रखा था, इसे चेक कर लेते हैं। तो हाथ को हम तेल के ऊपर रखें तो हमें हाथ पर हल्की हीट आ रही है। और बनाना वेफर्स बनाने के लिए हमें तेल मीडियम गरम चाहिए। तो तेल हमारा गरम है, केले से हम डायरेक्ट तेल के ऊपर कस करके चिप्स बनाएंगे। तो ये हमने चिप्स कटर ले लिया है और केले को इस तरीके से हम कसेंगे। ये देखिए चिप्स जा रहे हैं कढ़ाई में और तल रहे हैं। सारा केले के हम चिप्स एक बार में काट लेंगे। इन्हें थोड़ा सा हम इस तरीके से घुमा देते हैं, आग मीडियम रखेंगे। ये हमारे चिप्स हल्के से तल गए हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच पानी डालेंगे और कलछी से इन्हें इस तरीके से हिला देंगे। तो पानी की गड़गड़ाहट तेल में सुनाई देने लगी है। अब हम चिप्स को थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए बीच बीच में हिलाएंगे और पानी की गड़गड़ाहट बंद होने तक तलेंगे। ये नमक का पानी हम तेल का टेम्परेचर कम करने के लिए डालते हैं ताकि हमारे चिप्स एकदम क्रिस्पी बने। पानी की आवाज़ बंद हो गई है तो इस तरीके से हम एक चिप्स उठाएं और तोड़कर देख लें, ये एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं। तो निकालने के लिए हम इस तरीके से एक जाली वाली कलछी ले लें, जिसमें कि चिप्स को इस तरीके से निकाल कर कढ़ाई के ऊपर ही रख सकें ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। इस तरीके से थोड़ा सा इस छलनी को हम थोड़ा हिला देंगे ताकि तेल हमारा कढ़ाई में ही चला जाए। और ये चिप्स निकाल कर हम यहाँ टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो पेपर अपने अंदर सोख लेगा। हम चिप्स को अलग प्लेट में भी पहले काट सकते हैं इस तरीके से, और फिर बाद में एक एक करके कढ़ाई में डाल सकते हैं। अगर हम फील करें कि हमें कढ़ाई के ऊपर डालते में हाथ को गर्मी लग रही है तो हम चिप्स को प्लेट में काट लेंगे। ये हमने चिप्स काट लिए, इन्हें हम एक एक करके कढ़ाई में डाल सकते हैं इस तरीके से। हमें सारे चिप्स इसी तरीके से बनाकर तैयार करने हैं। और ये चिप्स हम बहुत ही पतले काट रहे हैं, ये मोटे वाले चिप्स नहीं हैं, ये बहुत जल्दी तल जाते हैं। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी रिफाइंड ऑयल या नारियल का तेल ले सकते हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। और एक बार के चिप्स हमें डालने से लेकर तलने तक 5 मिनट लग जा रहे हैं। आप चाहें तो ये चिप्स भरी छलनी को इस तरीके से किसी प्लेट या प्याली में रख सकते हैं। तो जब तक आप दूसरा केला काटेंगे और चिप्स तलेंगे तब तक इससे काफ़ी कुछ तेल निचोड़ कर प्लेट में पहुंच जाएगा और आप फिर इसको प्लेट में डाल दीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी बनाना वेफर्स बनी है। इन्हें हम तोड़ के देखें, देखिए, और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। लेकिन जब आप वेफर्स को काटें तो डायरेक्ट आप कढ़ाई में काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि अलग प्लेट में काट लें, इससे हाथ पर हीट नहीं आएगी। और उन्हें एक एक करके डालें और जैसे ही वो थोड़े से चल जाएं पानी डालें, मिलाएं, और पानी की जब गड़गड़ाहट शुरू हो जाए
तब आप दूर हट जाइए, क्योंकि तेल के छींटे थोड़े ऊपर आते हैं तो वो अपने ऊपर ना आ पाए, इतना ध्यान रखें। इसके बाद जब पानी की गड़गड़ाहट कम हो जाए तब उसे आप चलाएं और तेल की बिल्कुल गड़गड़ाहट बंद होने तक इसे तलें। एक पेपर निकालकर कलछी पर थोड़ा सा चेक कर लें कि वो क्रिस्पी हो गया है और सारे पेपर्स को निकालकर प्लेट में रखें। तो जब भी कुछ फटाफट जल्दी से ताजी नमकीन खाने का मन है और कच्चे केले घर में है तब आप इन्हें बनाकर खा सकते हैं। हमने पानी में नमक डाला है तो ये जो वेफर्स हैं ये पूरे बराबर से नमकीन है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मसाला इनमें डालना है तो थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और काली मिर्च वगैरह इनमें आप मिला सकते हैं। तो आप बनाना वेफर्स बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।